श्री आदर्श रामलीला उपसमिति बोरीवली द्वारा भव्य रामलीला महोत्सव 2024 का आयोजन 15 से 24 अक्टूबर के बीच किया गया। बोरीवली वेस्ट सब्जी मार्केट ग्राउंड में भव्य रामलीला महोत्सव 24 का आयोजन श्री आदर्श रामलीला उपसमिति बोरीवली के अध्यक्ष एडवोकेट राम कृपाल उपाध्याय एवं उनके टीम के सहयोगियों द्वारा किया गया। आई टीम मुंबई के बोरीवली में रामलीला का मंचन कर रही है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने श्री राम और जानकी को तिलक लगाकर एवं आरती उतार कर किया। बोरीवली आदर्श रामलीला समिति द्वारा ये 42वां साल का आज यहाँ पर रामलीला का शुभारंभ हो रहा है। ये 15 से लेकर 25 तारीख तक चलेगा। 25 तारीख को कवि सम्मेलन है और लगातार हम सब लोग मिलकर रामदास उपाध्याय जी को आज याद करेंगे, जिन्होंने इसकी स्थापना की और उनके सुपुत्र रामकृपाल उपाध्याय जी इसको आगे बढ़ा रहे। जयप्रकाश मिश्रा जी है, श्रीकांत पांडे जी है, दो दो ब्रह्मदेव है हमारे साथ में। ये सारे लोग मिलकर इस रामलीला समिति को बहुत ही अच्छे ढंग से चला रहे और ऐसे ही रामलीला करते करते 500 साल से जिन लोगों ने भी किया, एक भव्य राम मंदिर का निर्माण करने में हम सफल हुए। 500 साल से हमारे सनातन धर्म के नामाते पे जो कलंक था उसको मिटाने में हम कामयाब हुए। कभी कभी लोग ये कहते थे कि भाई क्या होता है रामलीला करने से और हर साल करने से क्या होता है। 500 साल से लगातार लोगों ने ये करते आए, इसलिए हम भव्य राम मंदिर का निर्माण कर पाए, जो आज सिर्फ भारत देश का ही नहीं तो पूरे दुनिया का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये सनातन धर्म के लिए बहुत ही गर्व की बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। जिस तरह से विधानसभा चुनाव की डेट भी आ चुकी है और आज आपने भगवान राम और भगवान हनुमान के भी पूजा किए, किस तरह देख रहे हैं महाराष्ट्र में किस प्रकार से बीजेपी की जीत पक्की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की है। भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, लेकिन महाराष्ट्र में सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों को भगवान श्री राम अच्छी बुद्धि थे, त्याग की बुद्धि थे। जिस तरह से भगवान राम ने अयोध्या छोड़कर 14 साल का वनवास किया उन्होंने, और लंका जीतने के बाद में भी सोने के लंका को छोड़कर अपने भूमि पर आए, ये जो सीख हमको भगवान राम ने दी है उस सीख को सब लोगों ने मिलकर परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। यही राम और रामायण के माध्यम से हमको सीखने के लिए मिलता है। और जो भी वर्तमान में राजनीति हम देख रहे सुन रहे उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव की आवश्यकता है, वो बदलाव की कामना ही हम सब लोग मिलकर आज यहाँ पर करेंगे। आज 42वां ये वर्ष मना रहे हम लोग बोरीवली रामलीला में, और संदेश तो साफ है, हमारे जितने अपने संस्कृति के बारे में जितना हम लोग प्रचार प्रसार कर सकते हैं और हिंदू और सनातनियों को कैसे हम लोग इकट्ठा ला सकते हैं, इस माध्यम से हम लोग 42 साल से प्रयास कर रहे हैं। और राम जी की लीला, उनकी उनके प्रति जो उनका आदर्श है वो जनता के बीच में जाए, लोग उसे ग्रहण करने का प्रयास करें। राम जी कैसे अपने चरित्र का निर्वाह किए और उन्होंने कैसे अपना सब कुछ त्याग कर, राजपाट सिंहासन त्याग करके, पिताजी के वचनों को मान देकर वो अपने घर परिवार को छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास गए, कैसे उन्होंने एक आदर्श पति का रोल निभाया, कैसे एक पिता का रोल निभाया, इसलिए मैं समझता हूँ कि राम जी का ये जो चरित्र है सब जन तक पहुँचना चाहिए। रामलीला को देखने के लिए पहुंचते हैं उनके लिए कैसी व्यवस्था है, क्योंकि बारिश है, वैसे में भी काफी लोग यहाँ पहुंचे, तो अगर लोग ज्यादा होते तो किस तरह की उनके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई? अभी व्यवस्था ऐसी है कि जो आपने देखा है मैदान में वही व्यवस्था हमने किया है। अब बरसात का तो मौसम है और हमारा कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सके, और भगवान की लीला है और भगवान अपनी लीला दिखाएंगे, चाहे वो मैदान में दिखाए चाहे बरसात के माध्यम से दिखाए। हम तो रोज़ उनको प्रार्थना करते हैं कि भाई 2 घंटे के लिए छोड़ दो हमको, आपने पूरा सीज़न ले लिया, नवरात्रि का सीज़न ले लिया, गणपति का, रामलीला में तो कम से कम उनको ये दूसरा चरण है, पूरे मुंबई में ये दूसरा चरण है रामलीला का। दशहरा के बाद में हम लोग मुंबई में दशहरा करते हैं बोरीवली में, तो उसका मुख्य कारण ये है कि जब पूरे मुंबई की रामलीला समाप्त होती है, पूरे मुंबई की जब दशहरा के दिन रावण का वध होता है, तब मुंबई के चेकनाका के बाहर हम लोग उसको मारने का काम दहीसर में हम लोग बोरीवली में करते हैं। आज गोपाल शेट्टी जी के हाथों से इसकी शुरुआत की गई, पूजा की गई, क्या कहना चाहेंगे? गोपाल शेट्टी जी यहाँ के लाडले नेता हैं और हम सभी के मार्गदर्शक हैं, और इस रामलीला समिति से पिछले 35 साल से वो भी जुड़े हैं,
और सांसद भी रह चुके हैं, यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं और नगर सेवक का भी जिम्मेदारी निभाए, तो एक जनप्रतिनिधि के नाते उनका हमेशा मार्गदर्शन हमें मिलता है और उनका वरदहस हमेशा हमारे साथ में रहता है। उनके उनका साथ हमेशा हमारी रामलीला समिति को भी मिलता है और राम का चरित्र यहाँ पर पाठ करने के लिए जो रामलीला मंडली आती है उनके लिए भी बहुत सहयोग करते हैं। रामलीला की जो मंडली है वो कहाँ से पहुँची और जिस तरह से बहुत लंबे वर्ष से आप ये आयोजन करते आ रहे हैं, तो क्या कुछ बदलाव और क्या कुछ नयापन लाने की आपकी कोशिश होती है? देखिए, रामलीला मंडली जो है ये अभी आज़ाद मैदान से आई है, दशहरा तक ये लोग आज़ाद मैदान में काम किए, उसके बाद में उनका यहाँ पर पड़ाव है। और ये रामलीला मंडली नया यही है कि जो हमारी पात्र हैं, महिला पात्र जो सीता जानकी जी का जो रोल निभाए, और वो उसके लिए अभी नया कुछ ट्रेंड शुरू किए। ये नई मंडली आने की वजह से लोगों में भी एक उत्साह है, उन लोगों को देखना है अभी कैसे धीरे धीरे जैसा एक दो दिन और बढ़ेगा वैसे लोग को जानकारी मिलते हो, तो यहाँ पर एक तो पैर रखने के लिए जगह नहीं रहती।